सर्विस है, इनका बिहेवियर है, बाकी जगहों पर तो ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। और हाँ, एक दो जगह पर इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा है, सब दोस्त जो हैं मिल के बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, खेलते भी हैं, टीवी इकट्ठे बैठ कर देखते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो जो ये कर सकें ये करते हैं। मलिक रियाज साहब बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, हर जगह पे उन वो पहले पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट से भी पहले पहुंच जाते हैं। खाना दवाइयां हर चीज का ख्याल रखा जाता है, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। इसी में हम बड़े हुए हैं, सन 40-50 साल इस घर में रहे हुए हैं और इसमें बड़ी यादें हैं। इस भाई घर को अल्लाह की तरफ से ओल्ड होम बना दिए और करण साहब की बेगम चला रही है माशाल्लाह। बस ये मेरे अंदर की जो है चीज़ें हैं ना, ये लाहौर में भी है, हमारे पास कराची में हम शुरू करेंगे, लेकिन जो अंदर में तस्कीन है ना वो बयान के बाद। ये जब हम यहाँ रहते थे तो हम एक यूनिटी के तहत रहते थे, सब बहन भाई, 8 बहन, 2 बहनें, माँ बाप, और कोई इसी का कंसेप्ट नहीं था उस पर। हमारी वालदा अल्लाह जन्नत करे कहती थी एसी घर में लगाना बीमारी है, और हम एक बार सोते थे सारे बराबर में, एक पंखा लगा होता था और बेहतरीन वही खाना, वही दाल चावल बेहतरीन, सुबह नाश्ते में भी दाल चावल मिलते थे। कभी नहीं सोचा, ना अब सोचा, अभी नहीं समझ आ रही।